फ्रेंड्स एक फ्रेज है इंग्लिश में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या ये राजनीति है या कुछ और? संजय राउत का कद घट रहा है या कुछ और? एक खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खबर ये है कि दरअसल शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के कद को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्या इसलिए शिवसेना ने अपने लोकसभा सांसद अरविंद सावंत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया, जो कि इस बात का इशारा कर रहा है कि आए दिन में पार्टी की ओर से बयानबाजी से बचने के लिए शिवसेना ने ये कदम उठाया है या कुछ और? रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा हलचलें बड़ी थी जब अमित शाह और शरद पवार अहमदाबाद में मिले थे। मुद्दा ठंडा अभी नहीं हुआ और इस बीच ये एक बड़ी खबर आ गई कि शिवसेना ने अरविंद सावंत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। शिवसेना पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने प्रवक्ताओं की नई सूची प्रकाशित की। इस सूची में राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक राउत को पिछले साल सितंबर में पार्टी मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था। इसके साथ ही सावंत को भी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। राउत के इस बयान से नाराज़ है शिवसेना, ये खबर आ रही है। दरअसल शिवसेना में सावंत को मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने का फैसला उस वक्त लिया गया जब संजय राउत ने अनिल देशमुख को लेकर बड़ा बयान दिया। राउत ने अनिल देशमुख को लेकर हाल में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बताया था। यही वजह है कि शिवसेना महागाड़ी में किसी भी तरह की दरार से बचने के लिए राउत के पर कतर रही है, ये खबर आ रही है। कांग्रेस ने भी एतराज़ जताया था। कांग्रेस ने राउत के देशमुख को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस नेता बाला साहब थोरात ने कहा था कि राउत को कभी भी टिप्पणी करने से पहले सावधान रहना चाहिए। पहले भी निशाने पर आ चुके हैं संजय राउत। संजय राउत को राज्य में सहयोगी कांग्रेस से भी तब आलोचना का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने सुझाव दिया था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालना चाहिए। तो एक सवाल आप देख रहे हैं किस तरह से महाराष्ट्र में हलचल चल रही है, क्या ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आने वाला वक्त बताएगा या कुछ और, ये देखना और समझना होगा। फिलहाल इतना ही संजय राउत पर एक बड़ी खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।